देखिए, लड़ाई तो होगी होगी, घर में ही होगी, बाहर भी आपका खून जलाया जाएगा, रोडों पे, सड़कों पे। ये कुछ बना ही ऐसे है, जिनसे हमारे बहुत क्लोज रिलेशनशिप होते हैं ना, उनसे भी हमारा खून फूकने वाली प्रोसेस होती होती है। तो पहली बात तो हो गई कि ये होगा। अब दूसरी बात है कि देखो, जितना अपना पॉजिटिव लेवल, मेंटल लेवल, योगा लेवल, एक्सरसाइज लेवल स्ट्रांग रखोगे भाई, यहाँ से राजस्थान का सफ़र आप में और हम में कौन अच्छा कर पाएगा, जिसका फिजिकल लेवल अच्छा। इसी तरीके से घर की टेंशन, डिस्टरबेंस जो होनी ही होनी है, जिसमें चॉइस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कितना गलत है कितना सही है, बेमतलब भी हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आपको अपना मेंटल लेवल ऊपर रखना पड़ेगा। अब बात होगी जी, मेंटल लेवल ऊपर कैसे रखें? भाई साहब, मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सीखी उसने मुझे। वो अपनी सैलरी का 10 या 20% ना बोलता था, मुझे उड़ाना है, हर मुझे ये खर्च करना है, खर्च ही करना है। अपना एंटरटेनमेंट सेक्शन मत छोड़ो, अपना योगा मत छोड़ो, अपनी एक्सरसाइज मत छोड़ो। जब एक चीज़ लॉस होना ही होना है, क्या खून फुकाना भाई, अपनी तो है, कितनों से लड़के हम आज तक दूर हो पाए। वही होते हैं, लोटे में घुमा लो कंचे के, तेज तेज आगे जुड़ना ही है, खून मत फुकाओ अपना। और इसका यही तरीका है, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, और मेंटली स्ट्रांग मतलब अपने आपको माइंडली स्ट्रांग।